नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 20 न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खास खबरों पे। दिल्ली में जल्द चलेगी नमो भारत रैपिड रेल, बिजली सप्लाई की बाधा दूर। यूपी में भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग का आलिशान, 3 मंजिला घर होगा कुर्क। जेएनके गैर कश्मीरियों के हत्या मामले में जलदागर के एक आरोपी की संपत्ति एनआईए ने जब्त की। अमित शाह ने कहा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकारें अपने वादे को पूरा नहीं कर सकती। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, अफसर जज नहीं बन सकते। प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस, अफसर दोषी हुआ तो निर्माण कराएगा और मुआवजा भी देगा। लाहौर के जहरीले धुएं से उत्तर भारत में धुंध कोहरा। इसी ने गडकरी, फडणवीस और अजीत के बैग चेक किए। उद्धव की नाराजगी पर फडणवीस बोले, इसमें गलत क्या, कुछ लोगों को तमाशे की आदत। आज से देश भर के 18 स्टेशनों पर मिलेगी सस्ती दवाइयां। प्रधानमंत्री ने दुर्गापुरा समेत अन्य स्टेशनों पर भारतीय जनऔषधि केंद्रों का शुभारंभ किया। 10 राज्यों की 31 विधानसभा, वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग। राजस्थान में कैंडिडेट ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा। बिहार में 2 गुटों में मारपीट, 6 घायल। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के सामने, जीतेंगे तो लूटेंगे पोस्टर। भाजपा नेता ने अखिलेश के साथ लगवाई होर्डिंग। सपा नेता बोले, नकारात्मक राजनीति। इंदौर के एमवाई अस्पताल में डॉक्टरों को पीटा, बच्चे के इलाज को लेकर देर रात हुआ विवाद, 3 डॉक्टर 2 गार्ड घायल। झारखंड की 43 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 46.2% मतदान, सीएम हेमंत सोरेन ने डाला वोट। लखीमपुर खीरी कांड के 11 आरोपियों को मिली जमानत, लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा, ट्रायल अभी लंबा चल सकता है, जेल में नहीं रख सकते। गुमला के पुलिस ऑब्जर्वर किशन सहाय, मीणा सस्पेंड। ट्रंप ने मस्क और राधा स्वामी को सरकार में शामिल किया, सरकार को सलाह देने वाला नया डिपार्टमेंट संभालेंगे। फॉक्स टीवी एंकर हेक्सेथ रक्षा मंत्री बनेंगे। रेल लाइन पर थार भगाने वाले युवक की हुई पहचान, आरपीएफ ने किया मुकदमा दर्ज। रेल अधिनियम की धारा तहत हो सकती है 5 सालों की सजा। एक्ट्रेस जूही चावला आज अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, आरोपी या दोषी होने पर घर नहीं गिरा सकते, बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं। देवघर में बोले पीएम मोदी, झारखंड की पहचान बदलने की साजिश हो रही है। प्रियंका का इम्तिहान, 14 लाख मतदाताओं के हाथ, 16 प्रत्याशियों की किस्मत। टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।